रुख कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। राजस्थान कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जी हां, दिल्ली के 15 जीआरजी में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। गौरव गोगोई की अध्यक्षता में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग इस वक्त चल रही है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, सुखजिंदर सिंह रंधावा और तीनों सह प्रभारी इस समय मौजूद है। सचिन पायलट, सीपी जोशी भी इस बैठक में मौजूद हैं। उम्मीदवार चयन को लेकर इस वक्त मंथन हो रहा है। कल कांग्रेस अपने 106 उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस की जंबो लिस्ट कल जारी हो सकती है। 106 कैंडिडेट्स की घोषणा हो सकती है। कल सुबह एआईसीसी में सीसी की बैठक होगी। वॉर रूम के बाहर टिकट के जो दावेदार हैं उनका जमावड़ा एक तरफ लगा हुआ है, लेकिन फाइनल मोहर एआईसीसी ही लगाएगा। फाइनल मोहर सीसी की बैठक में ही लगेगी। हमारी सहयोगी दिनेश डांगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। दिनेश, कांग्रेस के टिकटों की सूची को लेकर काउंटडाउन शुरू, ये मानकर चले, क्या ताजा अपडेट? चलिए एक बार फिर से आपको बता दें, गौरव गोगोई स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन, जिनकी अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक इस वक्त चल रही है। कांग्रेस के तमाम नेता, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर राजस्थान के तमाम प्रमुख नेता इस बैठक में मौजूद हैं। सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, सुखजिंदर सिंह रंधावा, तीनों सह प्रभारी इस वक्त चर्चा कर रहे हैं। कैंडिडेट्स के नामों को लेकर मंथन हो रहा है और कांग्रेस की जंबो लिस्ट 100 से ज्यादा कैंडिडेट्स की कल घोषणा हो सकती है। 106 कैंडिडेट्स की सूची कांग्रेस कल लेकर आने वाली है, इस तरीके की जानकारियां मिल रही हैं। दिल्ली के 15 जीआरजी वॉर रूम में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। गौरव गोगोई की अध्यक्षता में मीटिंग चल रही है स्क्रीनिंग कमेटी की। दिनेश डांगी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दिनेश, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिल्ली में जारी, कांग्रेस की टिकटों को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है, कल आ जाएगी लिस्ट। दिनेश, क्या ताजा जानकारी? जी देखिए, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक यहां पर 15 जीआरजी वॉर रूम में जारी है और बाहर नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। अर्चना शर्मा और अमित गाजी, उनको टिकट नहीं देने की मांग हो रही है। तो वहीं अंदर, जैसा कि हमने बताया कि कल 106 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की जा सकती है, तो उसको लेकर यहाँ पर मशक्कत हो रही है, मंथन हो रहा है, क्योंकि 55 नाम पहले ही लॉक हो चुके हैं, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब आज 50 या 51 नामों पर और मोहर लगेगी और उनको यहाँ से सहमति देने के बाद ये पैनल कल सीईसी को सौंपे जाएंगे और सीईसी की मोहर लगती बताया जा रहा है। कल दोपहर 12 बजे तक उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो सकती है। दिनेश, ये जो पहली सूची होगी, देखिए और पार्टियों से कंपेयर करें, बीजेपी से कंपेयर करें, कांग्रेस थोड़ा लेट चल रही है, इसीलिए मानकर चले कि लिस्ट काफी सारे नामों की होगी, जंबो ये लिस्ट होगी। किस तरीके की कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कौन से नेताओं को तवज्जो दी जाएगी, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, 200 में से 106 सीटें कल घोषित कर दिए जाएंगे, तो ये यकीनन बड़ी और जंबो लिस्ट होगी। जो मजबूत और स्थापित नेता है उनके नाम पहली सूची में, इसके अलावा सर्वे में जो मजबूत है उन सूची के भी नाम है, और डी कैटेगरी यानी अब मिक्स ए बी सी डी तमाम कैटेगरी है, वहां पर उम्मीदवारों का ऐलान है कल पार्टी द्वारा की जाएगी। और बाहर यहाँ पर जमकर नारेबाजी भी हो रही है, खासतौर से अर्चना शर्मा को बाली नगर से टिकट नहीं देने की मांग की जा रही है और किशन कौशल अमीन कार्जी को टिकट नहीं देने की मांग हो रही है। जी बिल्कुल दिनेश, इस वक्त हलचल भी हम देख पा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आ रही हैं, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी यहां से निकलते हुए नजर आए। तो कुल मिलाकर दिनेश, राजस्थान को भी अब लेकर हलचल तेज हो चुकी है, राजस्थान के तमाम नेता, ये आप देखिए स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक की तस्वीरें हैं वो भी सामने आ चुकी हैं। अमृता धवन सह प्रभारी और स्पीकर सीपी जोशी, सचिन पायलट, तमाम नेता इस वक्त नजर आ रहे हैं। ये 15 जीआरजी कांग्रेस वॉर रूम की तस्वीरें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सुखजिंदर सिंह रंधावा, गौरव गोगोई चेयरपर्सन स्क्रीनिंग कमेटी के इस वक्त मौजूद हैं और ये चर्चा जो है वो अब शुरू हो चुकी है। दिनेश, मेरे साथ आप मौजूद हैं इस वक्त? आपकी छत्तीसगढ़ स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही थी वो समाप्त हुई है और भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के सीएम है वो बाहर निकले और बाहर अब देख के महाराष्ट्र अर्चना शर्मा के विरोध में लोग यहाँ पर पहुंचे और काफी तादाद में दावेदार और उनके टिकट के समर्थक है वो यहाँ पर मौजूद हो। तो अंदर आज 50 से ज्यादा सीटों पर मंथन किया जाएगा, उनको लॉक किया जाएगा, सिंगल नामों के पैनल, 106 नामों के पैनल सिंगल सीईसी को भेजे जाएंगे और सीईसी जैसे ही ऊपर मोहर लगाएगी उसके एक दो घंटे बाद बताया जा रहा है या फिर शाम तक
उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी जाएगी। दिनेश, फाइनल मोहर सीईसी में ही लगेगी, लेकिन उससे पहले मालवीय नगर से अर्चना शर्मा को टिकट नहीं दीजिए, अमीन कागजी का टिकट काटिए, इस तरीके की जो मांग हो रही है, इस तरीके की जो हलचल हो रही है, इसका क्या रिएक्शन कांग्रेस के अंदर खाने? देखिए, इनको ऐसे संभावना लग रही है कि उनका अर्चना शर्मा का टिकट कंफर्म हो गया है। जैसे इनको इस बात की भनक लगती है, यहाँ पर अपने समर्थकों कार्यकर्ताओं से पहुंचे, और खास बात है कि जो अन्य 5 दावेदार थे वो यहाँ पर एक हो चुके हैं और नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। और खास बात है कि जो राजीव अरोड़ा के सीएम अशोक गहलोत के साथ है वो इनसे बातचीत कर रहे हैं। हम इनका रिएक्शन भी जानते हैं, इनसे बातचीत की कोशिश भी करते हैं कि क्यों ये विरोध कर रहे हैं और क्यों। चलिए, शुक्रिया दिनेश आप तमाम जानकारियों के लिए। तो आप देखिए, विरोध की भी तस्वीर कांग्रेस के वॉर रूम के बाहर से आ रही हैं। ये विरोध जो हो रहा है ये अमीन कागजी का, और ये विरोध हो रहा है मालवीय नगर सीट से अनीता जी को टिकट ना दिया जाए, इस तरह की मांग की जा रही है। और नेताओं के जो आने का सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। तो अनीता शर्मा को टिकट ना दिया जाए मालवीय नगर से, इस तरीके की मांग आप देखिए। यहाँ पर कुछ लोग हाथों पे पोस्टर लेते हुए खड़े हुए हैं। इसी के साथ ही अमीन कागजी के भी विरोध में यहाँ पर कई कांग्रेस के ही समर्थक पहुंचे। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, कहीं ना कहीं अब कांग्रेस की टिकटों की जो सूची है वो जहां एक तरफ कल आ सकती है इस तरह की खबरें हैं, वहीं इस तरीके का विरोध होना टिकट अनाउंस होने से पहले ये बात बताता है कि कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर कुछ हद तक फूट भी शायद पनप सकती है, कोई बगावत के सुर ना खड़े हो, इसे लेकर भी कांग्रेस जाहिर तौर पर फूक फूक कर कदम रखेगी। क्योंकि बीजेपी की लिस्ट आने के बाद जो बगावती सुर देखने को मिले थे उससे अब कांग्रेस की भी यही कोशिश है कि बगावत ना हो। और ये सीपी जोशी इस वक्त इस मीटिंग में शामिल होने के लिए आ चुके हैं। तो राजस्थान को लेकर हलचल तेज, दिल्ली से लाइव तस्वीर इस वक्त आपके सामने। कल कांग्रेस कर सकती है 106 उम्मीदवारों की घोषणा। तो गौरव गोगोई की अध्यक्षता में मीटिंग हो रही है, सीएम गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा और सुखजिंदर सिंह रंधावा भी मौजूद है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं अमीन कागजी के विरोध में लोग यहां पर तख्तियां लेकर पहुंचे, और ये जो तस्वीर है ये तस्वीर है स्क्रीनिंग कमेटी के बैठक की। किशनपुर विधानसभा का विकास, दिल्ली के 15 जीआरजी में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। गौरव गोगोई की अध्यक्षता में ये मीटिंग हो रही है। वॉर रूम के बाहर जो टिकटों के दावेदार हैं, एक तरफ उनका जमावड़ा, वहीं दूसरी तरफ सूची तैयार हो चुकी है, फाइनल मोहर लगने की कगार पर है। ये तस्वीर आप स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की देख रहे हैं। ये बैठक शुरू हो चुकी है गौरव गोगोई की अध्यक्षता में। हमारे सहयोगी दिनेश डांगी लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर, ज्यादा जानकारी के साथ सीधा उनका रुख करेंगे। दिनेश, बैठक शुरू हो चुकी है, लेकिन बैठक के अंदर एक तरफ जहां कैंडिडेट्स को लेकर चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ बाहर जिस तरीके का जमावड़ा है, ये किस तरीके की तस्वीर दिखा रहा है इस वक्त? दिनेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अमृता धवन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस बैठक में पहुंच चुके हैं, गौरव गोगोई चेयरपर्सन, स्क्रीनिंग कमेटी के सीनियर पर्यवेक्षक मधुसूदन मिस्त्री और सुखजिंदर सिंह रंधावा, सचिन पायलट, सीपी जोशी इस बैठक में मौजूद है। हमारे सहयोगी दिनेश जुड़ गए। दिनेश, ये गर्मा गर्मी मीटिंग के अंदर कम बाहर ज्यादा नजर आ रही है। 15 जीआरजी वॉर रूम के बाहर ये टिकटारती खड़े हैं, ये भीड़ जो खड़ी है, किस तरीके की तस्वीर?
जी देखिए, अंदर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में उम्मीदवारों को लेकर मंथन हो रहा है, उनकी स्क्रीनिंग हो रही है और बेहद ही अहम स्क्रीनिंग बैठक, क्योंकि कल पुख्ता ये सूचना है कि दोपहर 12 बजे तक करीब 106 नामों का जो ऐलान है वो कर दिया जाएगा। वही स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाहर यानी 15 जीआरजी वॉर रूम के बाहर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो किशनपोल से विधायक है मौजूदा अमीन कागजी, उनका विरोध हो रहा है। इसके अलावा जो अर्चना शर्मा मालवीय नगर से 2 बार उम्मीदवार रह चुकी है तो उनके खिलाफ तमाम जो अन्य जो दावेदार है वो यहाँ पर लामबंद हो चुके हैं। ये एक नया डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अर्चना शर्मा हटाओ, मालवीय नगर बचाओ, ये इनकी मांग कर रही है। तो वहीं 15 जीआरजी के अंदर ये बैठक हो रही है और जैसा कि बताया कि आज करीब 50 से 55 जो सीटें हैं उनको लॉक किया जा सकता है, इस तरह की सूचना है वो यहाँ पर सामने आ रही है। और कल कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी जाएगी, क्योंकि जिन 5 राज्यों में चुनाव है उनमें से 4 स्टेट के कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का डिक्लेरेशन है वो कर चुकी है और अब राजस्थान के उम्मीदवारों की सूची है वो जारी करनी है। तो पूरी संभावना है कि कल या फिर शाम तक 106 उम्मीदवारों की पहली सूची कांग्रेस यहाँ पर जारी कर सकती है। जी बिल्कुल दिनेश, तो इससे पहले ही टिकट जारी हो उससे पहले जिस तरीके का जमावड़ा यहाँ पर है, कोई बगावती सुर ना खड़े हो इसके लिए कांग्रेस पार्टी जरूर प्लानिंग कर रही होगी। जी बिल्कुल, कांग्रेस ने अपनी रणनीति में जो क्या थोड़ा सा बदलाव किया है। पहले ऐसा था कि 55 उम्मीदवारों की सूची जारी आएगी, लेकिन ऊपर से हाईकमान के यहाँ से बता रहे कि निर्देश मिले कि अब समय ज़्यादा यहाँ पर नहीं बचा है तो एक जंबो लिस्ट यहाँ पर जारी की जाए और जो 106 नाम है बताया जा रहा है, सिंगल नामों के पैनल स्क्रीनिंग कमेटी कल CEC जो मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बनी हुई है उनको सौंपेंगे। और कांग्रेस में एक प्रोसीजर है, CEC के अंदर ज़्यादा डिस्कशन होता नहीं है, 1-2 सीटों पर अगर विवाद हो तो उन्हें होल्ड कर लिया जाता है या फिर CEC के सदस्य अपना ओपिनियन यहाँ पर देते हैं। तो टिकटों का काउंटडाउन नंदिनी अब शुरू हो चुका है, सबकी धड़कनें यहाँ पर बढ़ गई है, विरोध की तस्वीरें भी यहाँ देखने को मिल रही है कि पहली सूची में फलाना विधानसभा सीट से फलाने उम्मीदवार का नाम ऐलान होने जा रहे, तो विरोध की तस्वीरें भी यहाँ पर कह सकते हैं कि देखने को मिल रही है। तो काफ़ी लंबा मंथन चला, करीब 1 महीने से ज़्यादा जो स्क्रीनिंग कमेटी है उन्होंने यहाँ पर वो किया। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष B.C. श्रीनिवासन है वो यहाँ पर पहुँचे और यूथ कांग्रेस के नेताओं के नाम है वो भी यहाँ पर दिए गए। श्रीनिवासन जी से हम बातचीत करेंगे कि किस तरह उन्होंने भी राजस्थान से यूथ कांग्रेस कोटे से कितने नामों की जो सूची है वो यहाँ पर दी है। तो अभी छत्तीसगढ़ के नामों को लेकर यहाँ पर सूची को देने आए थे ऐसा यहाँ पर जानकारी हो रहे हैं। और तो लगातार यहाँ पर कह सकते हैं कि आप जमावड़ा देख सकते हैं कि किस तरह राजस्थान के लोग हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं और उनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर मौजूद है और विरोध की तस्वीरें भी सड़क के उस पार है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो महिला और यूथ और NSUI अग्रिम संगठन से कितने लोगों को टिकट दी जाती है इस पर भी सभी नज़रें हैं वो यहाँ पर टिकी हुई है, किस तरह स्क्रीनिंग कमेटी ने स्क्रीनिंग की है। लेकिन एक इसमें नया डेवलपमेंट यह आया है कि पहले ये चीज़ें सामने आ रही थी कि जिसकी सर्वे रिपोर्ट ख़राब है मौजूदा विधायक की तो 40 के आसपास विधायकों की टिकट है वो काटी जा सकती है, लेकिन अब 3 बड़ी वजह सामने आई।